आपके जीवन में भी कई तरह की परेशानी लगी हुई है या फिर आपके बनते हुए काम बिगड़ रहे हैं, तो शायद आपको भी पितृदोष की समस्या है। अगर आपको पितृदोष की समस्या सता रही है तो इसके लिए आपको कुछ उपाय करने होंगे। हिंदू सनातन धर्म में पितरों को एक अलग ही स्थान दिया गया है। पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए लोग अलग अलग प्रकार के उपाय करते हैं। तो आइए ज्योतिष आचार्य पंडित पंकज पाठक से जानते हैं कि पितरों को खुश करने के लिए किस प्रकार के उपाय हमें करने चाहिए। पितरों के प्रति किए गए नकारात्मक कर्म या पितरों की सेवा करते में भी हमसे कोई सेवा कार्य शेष रह गए हैं तो वह आने वाले जो हमारे वंशज हैं, जो हमारी पीढ़ी के लोग हैं, उनके जीवन में बाधा परेशानियों संकट लेकर के या पितृदोष लेकर के आते हैं। पूर्वजों के प्रति यदि हमने अपर्याप्त अनुष्ठान किए हैं, जैसे उनके पिंडदान, उनका श्राद्ध, उनका तर्पण इत्यादि कर्म में यदि कोई न्यूनता कमी रह गई है तो यह भी हमारी जन्म कुंडली में पितृदोष का एक बड़ा कारण है। इसके अतिरिक्त पूर्वजों की कोई अधूरी इच्छा या उनके प्रति किया गया कोई असम्मान या अनादर हमारी जन्म कुंडली में पितृदोष लेकर के आता है। ऐसी स्थिति में जन्म कुंडली में सूर्य और राहु की युति हो जाती है या कुंडली के चौथे भाव में केतु आकर के बैठ जाता है और नौवे भाव में सूर्य चंद्रमा के साथ राहु आ जाता है या सूर्य चंद्रमा राहु और केतु ये मंगल और शनि के द्वारा पीड़ित हो जाते हैं अथवा शुक्र बुध राहु केतु इनमें से कोई से भी दो ग्रह दूसरे भाव पांचवे नौवे या बारहवें भाव में जाकर के बैठ जाए तो ये हमारी जन्म कुंडली में पितृदोष की स्थिति बनाते हैं। पितृदोष का हमारे जीवन के ऊपर बहुत हानिकारक प्रभाव पड़ता है, बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। किस प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं? परिवार में संघर्ष होता है, संपत्ति को लेकर के, धन को लेकर के, अधिकार को लेकर के, धन की कमी बनी रहती है, वित्तीय बाधाएं आती हैं, कई प्रकार के ऋण संकट बने रहते हैं, युवा जो घर में है उन युवाओं के विवाह में भी परेशानी आती है। इसके अतिरिक्त करियर, नौकरी, व्यवसाय, व्यक्ति बहुत मेहनत करता है, परिश्रम करता है, लेकिन उनको पूर्ण रूप से सफलता नहीं प्राप्त होती है, रुकावट ही रुकावट आकर के खड़ी हो जाती है और स्वास्थ्य और मानसिक अवस्था में भी व्यक्ति की गिरावट आती है। ये सब पितृदोष के कारण होता है। तो हम ऐसे कौन से सरल उपाय करें जिनको करने से पितृदोष समाप्त हो और हमारे जीवन के समस्त विघ्न बाधा संकट दूर हो? उसके लिए सबसे पहला उपाय है कि पीपल के वृक्ष में एक लोटे में दूध, जल और काले तिल मिलाकर के पीपल के वृक्ष में जड़ के भाग की ओर समर्पित करें। सात परिक्रमा जो है पीपल के वृक्ष की लगाइए। ऐसा करने से पितृगण प्रसन्न होते हैं क्योंकि पितरों का वास माना गया है पीपल के वृक्ष में, भगवान विष्णु का भी वास माना गया है पीपल के वृक्ष में। अमावस्या के दिन अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध करें, पिंडदान करें, दान करें, तर्पण इत्यादि करें। गौ सेवा करने से, गाय को चारा देने से भी व्यक्ति का पितृदोष समाप्त होता है। एकादशी का व्रत करिए, भगवान विष्णु का पूजन करें। इसके साथ ही साथ तिल और जल मिलाकर के नित्य प्रति व्यक्ति को अपने पितरों का तर्पण करना चाहिए। ब्राह्मणों को दान दें, गरीब असहाय दीन जरूरतमंद लोगों की भी सहायता करें। ऐसा सब प्रकार से उपाय करने से पितृदोष समाप्त होता है, हमारे जीवन में शुभ और मंगल होता है।